नमस्कार दोस्तों, मैं समीर आप सभी का अपने ही YouTube चैनल डिजिटल पावर में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप एक ई श्रम कार्डधारी है और आपने अपना ई श्रम कार्ड जो है वो आप बना चुके हैं किसी भी साइबर कैफे से या आप खुद से बना चुके हैं, तो इसके लिए जो भी यहां पे ई श्रम कार्डधारी हैं उनको 1000 रुपया आना शुरू हो चुका है। 1000 रुपया आप अपने मोबाइल फोन से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका 1000 का जो पैसा है वो आया है आपके बैंक अकाउंट में या नहीं आया है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना होगा upssb.in पे। इस साइट पे आने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, आप अपने मोबाइल फोन से ये पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पे आपको मिलेगा देखने के लिए भरण पोषण भत्ता योजना, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पे यहां देखने को मिलेगा ऊपर यहां पे ई श्रम डाटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा आपका मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं यहां पे पहले मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूं। उसके बाद यहां पे आपको मिलेगा नीचे सर्च का ऑप्शन, सर्च वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जब स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए जो भी व्यक्ति होंगे उनका नाम, उनके यहां पे पूरा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहां पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए कि 1000 जो रुपया है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और जो यहां पे सक्सेस हो चुका है। दूसरा मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूं, उसके लिए आपको यहां पर मोबाइल नंबर फिर से चेंज करना होगा। तो मैं यहां पर मोबाइल नंबर पहले चेंज कर देता हूं। तो मैंने यहां पे अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल दिया है। मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि इनका पैसा आया है या नहीं आया है। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इनका यहां पे पूरा डिटेल्स तो आ गया लेकिन इनका जो पैसा है वो नहीं आ पाया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टेटस है वो फेल्योर दिखा रहा है और यहां पर नील दिखा रहा है, यानी अगर इस तरह के आपको शो कर रहा है तो आपका जो पैसा है अभी आपको नहीं आया है। और जिनका भी यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आ रहा है यानी सक्सेस दिखा रहा है उनका पैसा जो है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा चुका है, तो वो अपना निकाल सकते हैं। इसको चेक करने का पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने मोबाइल फोन से और अपने मोबाइल नंबर से जो आप ई श्रम कार्ड बनवाए हैं उसमें दिए हैं उसी नंबर से आपको चेक करना है। दूसरा नंबर से आप चेक कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। जो आप इस श्रम कार्ड बनवाते वक्त अपना मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड कराए हुए हैं उसी नंबर से आप पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दूसरा नंबर से कीजिएगा तो आपको कोई भी डाटा यहां पे शो नहीं किया जाएगा। और मैं यहां पे आपको दिखाता हूं दूसरा नंबर से अगर हम चेक करते हैं जो बना है या नहीं बना है तो उसके लिए यहां पर क्या प्रोसेस होगा। तो अभी जो हम डाले हैं वो मोबाइल नंबर हमारे इस श्रम कार्ड से रजिस्टर नहीं है, लेकिन मैंने यहां पे डाला है चेक करने के लिए। तो उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि इसमें क्या हमको मिलता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी आप जब चेक करेंगे जो आपके इस श्रम में रजिस्टर्ड नहीं है उस नंबर से तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो कैसे चेक कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन से आप अपने घर बैठे। तो वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक परिवार बना लेते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।